हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का टॉपिक कुछ ऐसा है जो सबको एक्साइट कर रहा है, 5G। सब सुन तो रहे 5G के बारे में, लेकिन सच में 5G कितना फास्ट है? इज रियली द फ्यूचर? आज के इस वीडियो में हम 5G की स्पीड, रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस और इसका इम्पैक्ट डिस्कस करेंगे। व्हाट इज 5G? तो सबसे पहले बात करते हैं 5G क्या है। 5G यानी फिफ्थ जनरेशन वायरलेस टेक्नोलॉजी, 4G के बाद अगला मेजर अपडेट है। ये प्रॉमिस करता है लाइटनिंग फास्ट स्पीड, लो लेटेंसी और ज़्यादा कनेक्टेड डिवाइस का सपोर्ट। अगर हम 4G से कंपेयर करेंगे तो 4G नेटवर्क पे डाउनलोड स्पीड एवरेज 20-30 MB/s के आसपास होती है, लेकिन 5G नेटवर्क थियोरेटिकली अप टू 10 GB/s तक स्पीड डिलीवर कर सकती है। इमेजिन डाउनलोडिंग एक फुल HD मूवी इन अ सेकेंड। हाउ फास्ट 5G इन रियल वर्ल्ड? अब ये सब थ्योरी तो ठीक है, बट रियल वर्ल्ड में 5G कितना फास्ट है? वेल, इट्स डिपेंड्स डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट सिटीज, डिफरेंट कैरियर्स के नेटवर्क पे डिपेंड करता है। एग्जांपल के लिए USA, साउथ कोरिया और चाइना में 5G नेटवर्क काफ़ी मैच्योर हो चुका है। स्पीड टेस्ट वहाँ पे एवरेज 300 MB/s से लेके 1 GB/s तक दिखाता है। इंडिया में 5G रोल आउट अभी शुरू हुआ है। अभी के लिए कुछ मेट्रो सिटीज में लोग 100-300 MB/s तक की स्पीड एक्सपीरियंस कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे नेटवर्क एक्सपांड होगा स्पीड भी इम्प्रूव होगी। वाई 5G इज फास्टर? अब समझते हैं कि 5G एक्चुअल में इतना फास्ट क्यों है। 5G मिलीमीटर वेव्स यूज करता है, जो कि हाई फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम पे ऑपरेट करता है। इसका रेंज कम होता है बट स्पीड बहुत ही ज़्यादा होती है। 5G लो लेटेंसी भी प्रोवाइड करती है, मतलब डेटा सेंड रिसीव करने में डिले बहुत ही कम होता है। इमेजिन आप एक ऑनलाइन गेम खेल रहे हो या आप लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हो 4G पर, आपको एक नोटिसेबल डिले फील होता है, बट 5G पे लेटेंसी 1 ms तक कम हो सकती है, मतलब इंस्टेंट रिस्पॉन्स। इससे क्लाउड गेमिंग, वर्चुअल रियलिटी और रिमोट सर्जरी जैसे चीज़ों में बहुत इम्प्रूवमेंट होगी। वेयर कैन यू यूज़ 5G फुल पोटेंशियल? 5G की फुल पोटेंशियल तभी यूज़ कर पाओगे जब आपके पास कॉम्पेटिबल डिवाइस और सर्विसेज होंगी। फॉर एग्जांपल 4K और 8K वीडियो स्ट्रीमिंग, क्लाउड गेमिंग प्लेटफॉर्म्स जैसे गूगल स्टेडिया या NVIDIA GeForce Now, जहां इंस्टेंट रिस्पॉन्स चाहिए होता है, वहां 5G आपको गेम चेंजिंग रिजल्ट दिखाएगा। अब बात करते हैं डिवाइसेस की। आईफोन के लेटेस्ट मॉडल्स, सैमसंग के गैलेक्सी S सीरीज और बहुत सारे एंड्रॉयड फ्लैगशिप ऑलरेडी 5G एनेबल है। तो अगर आपको फ्यूचर प्रूफ फोन चाहिए तो 5G कॉम्पेटिबल डिवाइस जरूर लें। चैलेंजेस ऑफ 5G, लेकिन सब कुछ परफेक्ट नहीं होता। 5G के साथ भी कुछ चैलेंजेस है। सबसे बड़ा चैलेंज है कवरेज। 5G के डिफरेंट बैंड होते हैं, लो बैंड, मिड बैंड और हाई बैंड। हाई बैंड ऑफर क्रेजी स्पीड्स, लेकिन इसका रेंज लिमिट होता है और बिल्डिंग्स के अंदर अच्छे से काम नहीं करता। मिड बैंड और लो बैंड आपको ज्यादा कवरेज देगा बट स्पीड लोअर होती है कंपेयर टू हाई बैंड। दूसरे चैलेंजेस है कॉस्ट और डेटा कंजम्पशन। 5G का इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करना काफी महंगा है, जो शायद आपका डेटा प्लान भी महंगा बना देता है, और क्योंकि स्पीड इतनी फास्ट है आपका डेटा कंजम्पशन भी ज्यादा होगा। स्ट्रीमिंग वीडियोस, गेम और डाउनलोड्स में आपका डेटा ज्यादा एग्जॉस्ट हो सकता है। फ्यूचर ऑफ 5G, फ्यूचर की बात करें तो 5G सिर्फ स्पीड और इंटरनेट के लिए नहीं है, बल्कि ये स्मार्ट सिटीज, ऑटोनोमस व्हीकल्स, रिमोट हेल्थ केयर और रोबोटिक्स जैसे फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी को भी एनेबल करेगा। इमेजिन अ वर्ल्ड जहाँ पे हर डिवाइस एक दूसरे से सीमलेसली कनेक्टेड होगा। दैट्स द पावर ऑफ 5G। तो दोस्तों, ये थी आज की डिटेल ब्रेकडाउन ऑन 5G और उसकी रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस। 5G डेफिनेटली बहुत ज्यादा पोटेंशियल रखता है, लेकिन इसका रियल इम्पैक्ट हमें तब दिखाई देगा जब इंफ्रास्ट्रक्चर और डिवाइसेस दोनों फुल्ली रेडी होंगे। आपका क्या ओपिनियन है,
क्या आपने 5G एक्सपीरियंस किया है, कितना स्पीड मिला है आपको, कमेंट में अपने थॉट्स जरूर शेयर करें। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।